बताऊं, आज से 3 दिन पहले एक बेगमजा का रोटी शीटर चन्नान पीएस का, और जो साबेखा जो वहाँ का रोटी शीटर है रघु पहलान, इसका भतीजा ही है। इन्हें आज से 4 दिन पहले मौजूदा मार्केट के पास एक बैनर लगाया। खैर हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है, इन्हें हर साल लगाता रहते हैं, इससे हमको एतराज़ नहीं है। इसके ऊपर जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मुसलमान के अभी ज़ख्म सूखे नहीं, और हमारे तेलंगाना में एक छोड़ के 4 मस्जिद शहीद हुए हैं, मुसलमान के ज़ख्म बड़े ताज़े हैं। इसके ऊपर एक तकलीफदार बात, वो याद लड्डू यादव जो है, इन्हें एक तकलीफा बात डाला सो है, इसके ऊपर लिखा सो है मोदी की फ़ोटो, और यहाँ के तेलंगाना के जो सेंटर मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, इसके साथ और राजा सिंह के साथ, एक ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो डाला है, एक रॉडी शीटर की फ़ोटो है साथ जो लड्डू यादव है। इन्हें लिखता है कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाकेदार धमाकेदार धमकी की ज़रूरत है। अब इससे हम पूछे तो उन्हें यह बता रहा कि ये भगत सिंह का है। चलो भाई ठीक है, भगत सिंह का है, भगत सिंह किसको बोले थे? जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान, जब का ये है, तो भगत सिंह बताए थे ये अंग्रेज़ों के लिए। बाबा अंग्रेज़ों कहाँ हैं अब ये बात किसके ऊपर आ रही है? कोसी कमेटी के ऊपर बात आ रही है, एक। फिर दूसरी बात, वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, वेलकम बधाई दे के बोल रहे हैं राम मंदिर की जो मंदिर जो तामीर हो रही, इसके बारे में बधाई दे रहे हैं। आपका काम क्या है, आप किस बारे में बैनर लगाएं और क्या बताना चाह रहे हैं? तो आप यहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं जी किशन डी या राजा सिंह MLA सपोर्ट करें क्या रॉडी शीटर को? ये काम गलत है। इसके बारे में कुछ मुस्लिम लीडर जो ओल्ड सिटी के दो मुस्लिम लीडर है, जो दो मुस्लिम पार्टी है, जो MIM और MET के अमजदुल्ला खान ऑब्जेक्शन करें, और MIM के कुछ लीडर ऑब्जेक्शन करके बल्लिया कमिश्नर और सिटी पुलिस कमिश्नर को डालें। इसके बाद बल्लिया वाले आए इसको निकालने के लिए, हमें गड़बड़ कराने। फिर ACP पुलिस की मौजूदगी में वो बैनर निकाले, जब भी ने आगे गाली गलौज करा वहाँ पे, और पुलिस के सामने इतनी गंदी गंदी मुसलमान लीडरों को गाली दिया। एक मुसलमान को गाली देना क्या सारे मुसलमान को गाली देना बराबर है? एक मुसलमान लीडर जो है ये अमजदुल्ला खान हो या MIM के हो, ये लोग कानूनी कार्रवाई करे सो हैं। तो भाई अगर तू हक़ पे है, तू जो लिखा हो सही है, तो तू भी इन पर रिप्लाई दे, कानूनी कार्रवाई कर, कोर्ट को जा, कोर्ट किसके लिए है? कोर्ट को जाके जवाब दे, तू रिप्लाई दे, मगर किसी को इतनी गंदी गाली देना गलत बात है। और मैं बराबर इस पर ऑब्जेक्शन करूँगा, चाहे वो MIM का हो, MBT का हो, TRS का हो, CPM का हो, चाहे BJP का मुसलमान हो, अगर तू मुसलमान को गाली देगा तो बराबर मैं लब्बैक बोलकर आवाज़ दूंगा, लब्बैक बोलकर बराबर आवाज़ दूंगा। तो बाबा आप जो लड्डू है मुड़मुड़े के लड्डू पानी में आ घुल जाते हैं, पैर में आ खुच जाते हैं, ज़रा उछाल करने की जरूरत नहीं है क्या? जुमा 8 दिन हुआ तुम्हारी और ऑडिशन ओपन हो गए, अब तुम क्या जूनियर राजा सिंह बनना चाह रहे क्या? खाबा मत देखो, राजा सिंह का भी जो है ना, राजा सिंह को हमने ढील छोड़े जो है, इन्हें मुसलमान के नाम पे पेट पाल ले रहा, जी ले रहा भाई, एक बच्चा है जी ले रहा, वही छोड़ दिया, अब फिर तुम जूनियर राजा सिंह बन गया रहे क्या? ऐसा नहीं होता, अब हद में रह के बात कर रही है, इतने खुले अल्फाज में गाली दे रहे हैं। और पुलिस से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे CP पुलिस कमिश्नर साहब से, ऐसे लोग का मुंह बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अदर स्टेट में गड़बड़ चरिस है कि हमारे यहाँ के तेलंगाना की हालत ख़राब नहीं होना चाहिए, इस पर पुलिस सीरियसली एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और मैं भी आज रहन बजा PS लिमिट में मैं इसके बारे में कमेंट डाला सो मैं, और मैं पोस्ट करा सो मैं आज, और मैं रहन बजा PS से, और हमारे DCP सौजन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और सब टास्क फोर्स भी करता हूँ कि इसकी अरेस्टिंग करना चाहिए। एक और एक बात ये है, अगर ये कोई मुसलमान अगर ये बैनर लगा के कुछ बोल दिया, तो इस पर क्या क्या चार्जेस लगाते हैं आप लोग, क्या क्या सेक्शन डालते हैं आप लोग इसके ऊपर, और फिर ऐसे खानदान को परेशान रहते हैं मुसलमान के।
देशद्रोही है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, फलाना है, अमका है, सब बोले थे आप लोग। जब इन्हें बोला एक कौन में वो भी क्या सोशल वर्कर है, कोई एमएलए है, एमपी, एक चिंदी चोर ऑडिशीटर है ना, माँ से गरीब हिंदू लोग, गरीब हिंदू लोग जो ठेला बंडी पे काम करने वाले हैं, इनसे मामूले दस है ना, मामूले के जिंदगी गुजारा वाला है, तो इसकी बात पुलिस सुन रही, बड़ी ताजुब दिख रहा। अगर हमारा कोई मुसलमान जो एमपी एमएलए है, इन्हें कुछ बयानबाजी का तो उस पर केस बुक करे थे, हंगामा मचाए थे सारे मीडिया में, ब्रेकिंग न्यूज़ बताते, तो इसके लिए भी कानून हिंदुस्तान का सबके लिए बराबर है। और इन्हें परसों में फोन पर बात करा, मैं से भी गाली गलौज करा, और कल से कंटिन्यू में वो 100 से 150 आदमी फोन करके आ रहे हैं, जैसे वाले मैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खैर, जब तक मेरी मौत अल्लाह दिखा नहीं, कोई मैं कलाल कुछ कर लेता नहीं। अगर जिसको भी कुछ करना है, ओपन चैलेंज में करा, अभी भी बोल रहा हूँ, तू कानूनी लड़ाई लेगा तो तू जैसा लड़ूंगा राजी हूँ मैं, कानूनी या जो भी है अल्लाह तवक्कल देख लेंगे। और आप जो कमेंट डाले, पुलिस को एक्सेप्ट करी, एक ऑडिशन के कमेंट को एक्सेप्ट करी, करा तो गलती नादिम ने हो रहा, पुलिस को चैलेंज करा, पुलिस को गाली दिया, मुसलमान लीडरों को गाली दिया, आखिर बताना क्या चल रहा बाबा तू? आरएसएस वाला के जहन में एक ही बात बैठी हुई है, खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये चीज़ हटा दो। और सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान के मैं बताना चाह रहा हूँ, 100 करोड़ हिंदुओं को मैं बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो भगवद गीता है बहुत बेहतरीन किताब है, अच्छी किताब है, इसको फॉलो कीजिए। आरएसएस संघ परिवार की बातों को फॉलो मत कीजिए, आपकी भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता में क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, वो चीज़ को ले लो। और रहा सवाल राम 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 को क्यों बदनाम कर रहे हैं, तुम खुद अपने भगवान राम को बदनाम करे सोए। राम भी, राम की हम मुसलमान भी इज्जत करते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तान का बादशाह थे राम, एक हिंदुस्तान के अच्छे बादशाह थे, हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इनकी तारीफ करते हैं। अब तुम लोग अच्छे भगवान को तुम्हारे बदनाम कर रहे हैं हर चीज़ में, राम 40-40 मुसलमान को, एक मुसलमान को पकड़े 40-40 जन्म के आरएसएस वाले मारे, जो चाहे वो बयानबाजी कर दे रहे, जब देखे मुसलमान मुसलमान, ये सब छोड़ दो, ये चीज़ देखो कि हमारा मुल्क किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से तरक्की करना चाहिए, वो सारी चीज़ छोड़ देंगे, बयानबाजी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कब तक तुम जहन ख़राब करेंगे हिंदू मुसलमान का? क्या फ़ायदा पहुँचा हिंदू मुसलमान से? सिर्फ तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ना मुल्क को कोई फ़ायदा है, ना यहाँ की 135 करोड़ आवाम को फ़ायदा नहीं है। तो आप जो भी करें, इस पर पुलिस फौरी इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसे जो भी ये आरएसएस संगपरी वाला है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। अगर यहाँ की हालत ख़राब होंगे तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे बताइए आप? या तेलंगाना की गवर्नमेंट रहेंगी, या पुलिस रहेंगी, या ये आरएसएस वाले रहेंगे? आज आरएसएस वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, बढ़ चढ़ के बातें कर रहे, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं बार बार पुलिस के और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, आपका भी इसमें नाम खराब होंगे, फसाद दंगा कुछ भी होंगे तो आपका भी नाम खराब होंगे। आप 6 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इसको सही चीज़ से फॉलो कीजिए। पहले हमारे दिलों में तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट का हक हमारे बराबर नहीं आया, बाबरी मस्जिद का ना, कि यहाँ पे अब नया ताज़ा एक खाना की मस्जिद शहीद हुई, आशूर खाना शहीद कर दिए, फिर अब 2 मस्जिदा फिर शहीद कर दिए, ये हमारे ज़ख्म ताज़े हैं। तो हम क्या रोड पर निकल गया, कुछ बैनाना पर आ गया, मुसलमान कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमको कानून पर भरोसा है, हम कानूनी कार्रवाई करें इंशाल्लाह ताला, हमको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है कि हमारी कामयाबी गई। शुक्रिया जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे अज्जन कुमार जो हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ऑडिशनों को, चाहे किसी भी मज़हब के हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगा फसाद कराने वालों पर सख्त से कार्रवाई कीजिए। और इनके ऊपर पीटीआई डाल के इनको जेल को भेजिए, दोबारा इनको बेल नाम लिए, और इनकी ऑडिशीट बंद नहीं करना चाहिए, और इन पर पुलिस, एरिया पुलिस और टास्क फोर्स, इन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखना हमेशा, ठीक है। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश, सुप्रीम रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, सुप्रीम फार्मलैंड, रेजिडेंशियल प्लॉट्स और विलास, मेहदीपट्टनम और अत्तापुर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर, नेशनल हाईवे 65, तोलाकट्टा के प्राइम लोकेशन पर वाकई 23 एकड़ पर फैला हुआ वसी और खूबसूरत फार्मलैंड, जहां आपके ख्वाब बनेंगे हकीकत। एयरपोर्ट,
गच्चीबौली, हाईटेक सिटी और ऑटो रिंग रोड से चंद मिनट के फासले पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ एवेन्यू और मैंगो प्लानिटेशन के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी का वसी तर इंतजाम, नकद और आसान साथ पर सुप्रीम फार्म लैंड और इसके अलावा शादनगर पर वाके रेसिडेंशियल प्लॉट और विलास 50 साल के लिंक डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्लियर टाइटल, गेटेड कम्युनिटी और तमाम सहूलतों के साथ सुप्रीम फार्म लैंड और ओपन प्लॉट्स जहां आप घर बनाकर रह सकते हैं। अपना फार्म लैंड और प्लॉट्स के लिए अभी हमसे रब्त पैदा करें। हमारा पता है सुप्रीम रियल स्टेट एंड डेवलपर्स, ऑपोजिट उदय ओमनी हॉस्पिटल, चैपल रोड, एबिट्स। कॉन्टैक्ट नंबर 9700000664 और 9848478612।